ले लेनी चाहिए। मेरा सवाल अब्दुलरहमान साहब से, अब्दुलरहमान साहब आप एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट में काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आवाम के बहुत करीब हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे आवाम में ये जज्बा कब पैदा होगा कि मैं ये अपने काम पे एक घंटे लेट हो जाऊं तो चलेगा, मैं थोड़ा देर पुलिस स्टेशन जाके आ जाऊं तो चलेगा, मैं थोड़ा अदालत में गवाही दे दूं तो चलेगा, लेकिन किसी एक की जान बचा लूं या किसी एक का टूटता हुआ हाथ पैर बचा लूं, ये कब हमारे अंदर होगा? क्या हमारे एनजीओ या हमारे सोशल एक्टिविस्ट लोग जो है वो सिर्फ पुलिस और कानून वालों पर जिम्मेदारियां डालते रहेंगे और अपने यहाँ कोई जागरूकता पैदा नहीं करेंगे? क्या हम आम आदमी के दिल में, आम आवाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं करेंगे कि वो दूसरों की मदद के लिए आए और ये सोचे कि कल मैं या मेरा कोई अपना इस हालत में हो सकता है? देखिए, खाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से फरमाया था कि यहाँ पर जो रोड डिसिप्लिन है वो नहीं है। ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि रोड डिसिप्लिन नहीं है हमारे पास। उस डिसिप्लिन को लाने के लिए मशीनरी के साथ साथ आम लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आके उस पर काम करें। अब ये तब होगा जब मशीनरी और आम पब्लिक काम करेंगे, और उसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड सेफ्टी वीक था, उसमें हम लोगों ने उसको शुरुआत की थी, मेयर साहब आई थी उसका प्रोग्राम को अवेयरनेस लाने के लिए, फिर हमने उसको फिर बैंड्रा में भी किया था। दरअसल हमारा मकसद ये था कि हम लोगों में उस चीज़ को ले आएँ कि अगर एक छोटी सी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको अगर आप समझें कि वो क्या चीज़ है, और ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चलने वाला उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चले और गाड़ी वाला उस पर गाड़ी ना खड़ी करे, ये दोनों के लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी वाले ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी लाके खड़ी कर दी है तो चलने वाला डेफिनेटली क्रॉस करके डाइवर्ट मार के जाएगा, और दोनों अपने आप को खतरे की घंटी को एकदम अलर्ट करते हैं कि भाई इसने गलती कर दी तो ये गया, और ये जल्दी क्रॉस नहीं किया तो इसने ठोक दिया। अभी एक्सीडेंट के हालात होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खाली साहब ने बताई, जैसे मोटरिस्ट की बात करें। अभी आप मुझको बताइए कि दोनों तरफ से, मैं ये चाहूँगा कि दोनों तरफ से चीज़ें इक्वली आगे बढ़ें। अभी कुछ चीज़ों पर मशीनरी काम करती है, जैसे फ्लाईओवर्स पे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनको मना कर दिया गया है। अब आप ये बताएं कि एक बंदा है जो कार रखता है, एक बंदा है जो मोटरसाइकिल रखता है, अब आप कहेंगे भाई तू फ्लाईओवर से ना चले जाना, क्यों नहीं चले जाएगा वो? ही इज़ पेइंग टैक्स, ही इज़ पेइंग ऑल द अदर एक्टिविटीज़। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, ये लोगों के दिलों में अपने आप की इम्पॉर्टेंस, ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंस, और साथ में मशीनरी को साथ में लेके चलने की इम्पॉर्टेंस जब तक नहीं आएगी, जब तक उनके दिलों में चीज़ पैदा नहीं होगी कि हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितनी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल है, तब तक ये काम बढ़ेगा नहीं, और इस तरह से काफ़ी हालात दिक्कतें पैदा करेंगे बॉम्बे जैसी सिटी में। लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में ये जान जिंदगी की अहमियत पैदा करना और उस अहमियत को इस इंतहा तक पहुँचाना कि लोग एक दूसरे की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है।